अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे शकरकंदी की खीर, जिसके लिए मैंने ये 750 ग्राम शकरकंदी ली है और ये मैंने उबाली नहीं है, ये मैंने भूनी है। जो मैंने एक चम्मच घी डाल के ये मैंने शकरकंदी भूनी है, ना मुझे इसमें कोयले की ज़रूरत पड़ी है और ना मुझे इसमें पानी की ज़रूरत पड़ी है। बस मैंने एक चम्मच इसके अंदर घी डाला है और ये शकरकंदी भूनी है। इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, आप अब मेरी वीडियो देख सकते हैं शकरकंदी की। तो ये मैंने शकरकंदी भून ली है और इसको मैं कद्दूकस करूँगी। और उसके साथ मैंने ये 1 लीटर दूध लिया है, ये काओ मिल्क है, आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं। और ये मैंने 200 ग्राम चीनी ली है, ये मैं शकरकंदी के खीर के अंदर डालूंगी। और उसके साथ मैंने ये थोड़ा सा ही बादाम लिए, 10 से 12 हमने ये बादाम लिए जो मैंने बारीक बारीक काट लिए, और 10 से 12 दाने हमने पिस्ता के लिए जो हमने बारीक बारीक काट लिए। और उसके साथ मैंने ये 2 इलायची लिए जो मैं दूध के अंदर डालूंगी। तो हम बनाते हैं शकरकंदी की खीर। ये मैं दूध को उबाल लेती हूँ। तो देखिए ये हमारा दूध में उबाल आ गया है, ये हमने शकरकंदी भी कद्दूकस कर ली। तो देखिए ये कितनी अच्छी हमने ये कद्दूकस करी। ये शकरकंदी हम दूध के अंदर डालेंगे। और इसको इसी तरीके से हम शकरकंदी डाल के पका लेंगे। इसके अंदर हम ये इलायची के दाने हमने निकाल लिए, ये हम इलायची के दाने इसके अंदर डालेंगे। आप चाहें तो इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मैं इसको इसी तरीके से खूब अच्छी तरीके से पका लूँगी। ये हमने पकाते पकाते इस तरीके से हमारी खीर गाढ़ी होने लगी है। और इसी तो देखिए इसी तरीके से हम इसको पकाते रहेंगे और इसके अंदर हम ये चीनी डालेंगे। हमारी खीर गाढ़ी होने लगी, मैंने इसमें चीनी भी डाल दी। और देखिए ये हमारे चम्मच पे इस तरीके से रुकने लगी। जब आपकी चम्मच पे मोटी परत आने लगे और खीर गाढ़ी होने लगे तो समझ लीजिएगा आपकी खीर तैयार है। मैं अभी इसे थोड़ी देर और पकाऊंगी क्योंकि मैंने अभी चीनी डाली है और चीनी पानी छोड़ती है। तो ये मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी थोड़ी सी गाढ़ी होने तक। मैं थोड़े से बादाम भी डाल देती हूँ, ये मैंने थोड़े से बादाम काटे थे, ये मैं इसके अंदर डाले दे रही हूँ। और थोड़ा सा मैं पिस्ता डालूंगी। आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट इसके अंदर डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो, और अपने जायके के हिसाब से आप इसके अंदर चीनी भी डाल सकते हैं और अपने जायके के हिसाब से इसको मीठी कर सकते हैं। मैंने इसमें 200 ग्राम चीनी डाली है। मैं इसी तरीके से थोड़ी सी और गाढ़ी कर लूँगी। हमारी खीर बहुत अच्छी तरीके से पक चुकी है और ये बहुत अच्छी तरीके से गाढ़ी भी हो चुकी है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। हमारी ये खीर बिल्कुल तैयार है और मैंने ये सर्विंग डिश में निकाल ली है। अब मैं इसके ऊपर, मेरे पास ये चांदी का वरक है, मैं इसके ऊपर ये वरक लगाऊंगी। और इसके ऊपर मैं डालूंगी ये थोड़े से, मैंने बादाम रोके में ये इसमें बादाम डालूंगी। और इसमें थोड़ी सी मैं पिस्ता डालूंगी। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं जो आपको पसंद हो और इसके अंदर डाल सकते हैं। तो देखिए ये बहुत ही आसानी से बनने वाली खीर हमारी तैयार है शकरकंदी की। मेरी शकरकंदी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे दुआ में याद रखिए। आपकी ख्वाहिशों के साथ फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।